हाल देखिए स्लीपर का हाल है, जनरल का बोगी नहीं है, चलते हैं जनरल का हाल दिखाते हैं। संपूर्ण क्रांति कभी भी इतना ही भीड़ जाती है, इससे भी ज़्यादा अब त्यौहार में पर्व में आइएगा तो इससे भी ज़्यादा भीड़ रहती है गाड़ी में। इसी भीड़ में हमको जाना है उधर और आप लोग को दिखाना है क्या हाल होता है। गाड़ी हमारी आरा जंक्शन आने वाली है, चलते हैं बाहर पहले। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग, आप लोग का भाई आप लोग को स्पिन से एक न्यू वीडियो साथ आ चुके हैं। आज का जर्नी होने वाला है बहुत छोटा सा लेकिन बहुत खास ट्रेन के साथ होने वाला है, बहुत खास वीडियो होने वाला है। आज हमारी जर्नी होने वाली है राजेंद्र नगर से न्यू दिल्ली के बीच में चलने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, जिसका गाड़ी नंबर है 12393 1294। चलिए मेरा नाम है पुनीत, आप लोग पुनीत ब्लॉग करते हैं, वीडियो को कंटिन्यू। देखिए पूरा जनरल का हाल पूरा पैक है, लोगों ने अंदर से बंद कर दिया और स्लीपर का हाल दिखा रहे हैं आपको। ये पूरा स्लीपर का हाल है पटना जंक्शन पर, अभी राजेंद्र नगर स्कूल है पटना जंक्शन पर, और इसका पंडित दीनदयाल का हाल होगा जाने में, और स्लीपर का हाल है, और ये S1 है इसका, और इसका इसमें 3 जनरल क्लास के कोच लगा हुआ है, LHB कोच के साथ में चलती है गाड़ी। भैया ये हाल है देखिए, अपना राजेंद्र नगर से न्यू दिल्ली चलने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस यही खास ट्रेन इसीलिए है कि जो कि पूरा कम स्टॉपेज के साथ में चलती है और टाइम से दिल्ली पहुंचाती है, और प्लस में आपको इसमें भीड़ की कमी आप लोगों को नहीं मिलेगी कभी। भीड़ तो एकदम कहिए मत, त्यौहार हो चाहे अंदीना कभी भी हो, लोग त्यौहार खत्म करके अभी मना के जा रहे हैं घर, ये दिखा रहे हैं हम भी चलते इसी में। आज का जर्नी होगा जनरल क्लास में आपका भाई करेंगे पूरा, जनरल का हाल है पूरा। ये भाई लोग भाई चला अंदर पूरा चलता है इसके अंदर, इसी गांव में अंदर, और यहाँ पर आगे भी इसका लगा है जनरल क्लास। ये पूरा इनके साथ में गाड़ी चल रही है, और यहाँ पर एक पार्सल यान लगा है इसमें, और एक जनरेटर वाले एक गार्ड के लिए, और इसके बाद आगे से इसका स्टार्ट है पूरा जनरल, और पीछे इसका AC लगा हुआ है, और लोग अभी अंदर जा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर गाड़ी का 10 मिनट का होल्डिंग है, देखते हैं हम किस में जाते हैं, जा पाते हैं कि नहीं अंदर हम भी। यहाँ पर पटना जंक्शन आते हैं आप लोगों को खाने पीने कुछ कमी नहीं हो रहा है, यहाँ का स्टेशन कोड है PNB, और यहाँ पर लोग बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, देख रहे हैं हम भी इसी में, गाड़ी खुलेगा तो चलेंगे अंदर। आप लोग दिखाते हैं स्लीपर का हाल क्या है और जनरल का, दोनों का हाल दिखाते हैं। चलिए यहीं से शुरू करके दिखाइए ना, समझ में आ गया। भाई लोग भाई का हाल देखिए, स्लीपर का हाल है, जनरल का बोगी नहीं है, चलते हैं जनरल का हाल दिखाते हैं आप लोगों को। इसका लेडीज जेंट्स दोनों को हो रहा है, परेशानी सबको झेलना पड़ रहा है। जनरल में लोग यहाँ पर भी बैठे हैं, जो कि बोगी जो ज्वाइंट रहता है वहाँ से भी, और ये है जनरल का हाल देखिए पूरा। ये लोग है यहाँ पर कैसे अपना बोरिया बिस्तर ऊपर बांधे हैं, चलते हम भी इसी सफर में पूरा काटेंगे। पर पूरा लोग गेट पर बैठे हैं, और गेट इधर से बंद कर दिए हैं, और जो कि पब्लिक चढ़ने के लिए पीट रहे थे लोग, कोई खोल नहीं रहा था, समझ सकते हैं। तो हम भी दिखाते हैं आप लोग इसका डिपार्चर दिखाते हैं यहाँ से, पटना से खुलती है तो, और जनरल का दिखाते हैं हाल क्या है। लोग यहाँ पर बैठे हैं और भाई यहाँ पर खुलवा रहे हैं, कोई खोल ही नहीं रहा, पूरा बंद है गेट, और यहाँ से गाड़ी का डिपार्चर मिल चुका है। 7:45 पर गाड़ी का यहाँ से डिपार्चर मिला है, और इसका बाद यहाँ पर इसके बाद गाड़ी का यहाँ पर आरा जंक्शन स्टॉपेज है, उसके बाद पंडित दीनदयाल, और गाड़ी का बहुत कम स्टॉपेज होती है वहाँ पर। चलते हैं उस वाले गेट पर और चलते हैं उस पर गेट पर, इसी भीड़ में संपूर्ण क्रांति कहना नहीं, संपूर्ण क्रांति कभी भी इतना ही भीड़ जाती है, इससे भी ज़्यादा अब त्यौहार में पर्व में आइएगा तो इससे भी ज़्यादा भीड़ रहती है गाड़ी में। और भाई साहब देखिए कहाँ बैठे हैं, अपना जगह बना लिए हैं रात गुजारने के लिए, बस सुबह गाड़ी पहुँच जाएगी अपने लास्ट डेस्टिनेशन पर। इसी भीड़ में हमको जाना है उधर, और आप लोग को दिखाना है क्या हाल होता है। गाड़ी का जनरल कुछ कम होने के कारण कम से कम इसमें 5 जनरल क्लास होना चाहिए, और 3 हो गए जब से LHB कुछ आया है, तो गाड़ी का सब चीज़ कम हो गया, AC बढ़ गया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की कठिनाई हो रही है, और कभी कभी तो बाथरूम में भी लोग बैठ के जाते हैं, अभी तो पंडित दीनदयाल इसका और ज़्यादा भीड़ होने वाला है गाड़ी में। राइट हटिएगा, देखिए सब लोग यहाँ बैठ के बाकी आराम से खीरा खा रहे हैं। चलते हैं उस गेट पर, लोगों की कहना नहीं है इतना ज़्यादा भीड़, आप लोग को परेशानी बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है।
भाई वाले को स्किप कर रही है गाड़ी, ऐसे ही स्किप दानापुर को भी स्किप करते हुए आ रहा है। एक ही बार गाड़ी का स्टॉपेज होगा, आप लोग इससे पहले वीडियो देखे हुए होंगे, जब से गाड़ी का स्टॉपेज हुआ था तो आप लोग इससे पहले वीडियो आया होगा। आरा जंक्शन आने वाली है, चलते हैं बाहर पहले, वहाँ पर उतरते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा जो कि पेंटिंग कार्स बेचने आ रहा है वो भी सही से नहीं आ पा रहे हैं, और इधर तो पूरा जनरल तो पूरा पुल है, और इसके स्लीपर भी जनरल बन चुका है पूरा है। आप लोग देखेंगे थोड़ा सा स्लीपर से एंट्री किए था और जनरल में आके आप लोग सफ़र कर रहे हैं, ये पूरा पीछे जनरल का हाल देख रहे हैं। क्या भाई पूरा भीड़ है ना, कहाँ तक जाइएगा? देख रहे हैं ना आप लोग, ये पूरा जनरल कहाँ है स्टेशन आरा जंक्शन, और गाड़ी पूरा अभी आउट ऑफ कहीं कहीं धीरे धीरे कट दे रही है, इसका सिग्नल नहीं मिला है। आप लोग से पूरा देख सकते हैं भरा हुआ है, और गेट भी बहुत ज़्यादा लगा है। यहाँ पर भी आरा में भी लोगों की उतना ही भीड़ जैसे पटना में था, और पूरा यहाँ पर भी लोग गाड़ी यहाँ से हॉर्न दे चुकी है और पूरा लोग चढ़ नहीं पाए हैं। गाड़ी का यहाँ पर सिग्नल हो चुका है और लोग बहुत लोग चढ़े नहीं हैं, लेकिन ठेला ठेली में कैसे यही पूरा हाल है इस गाड़ी का। और सभी लोग यहाँ पर आराम से, कोई लोग बैठे हैं आपकालीन गेट के पास, देखिए इस गेट पर कैसे सिग्नल हो चुका है गाड़ी का, ये पूरी हालत ख़राब। इस जनरल में कुछ अंदर में खाली है, लेकिन सभी लोग गेट पर ही जाम लगाए हैं, और देख सकते हैं अंदर में पूरा करीब खाली ही खाली है, और ये पूरा राजेंद्र नगर पटना नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, गरीबों का राजधानी, आम जनता की राजधानी। ये पूरी गाड़ी यहाँ से आरा जंक्शन से निकल गई, पूरा जनरल, और स्लीपर भी तो पैके हैं, करीब करीब पैक ही हैं स्लीपर, पूरा गेट पर भी भीड़ है स्लीपर में, और पूरा यहाँ तक गाड़ी का पूरा हालत ख़राब होने वाला होने वाला है, क्या हो चुका है। अभी पटना से खुलते हैं गाड़ी, खुलते हैं 30 मिनट पहले ही लेट हो चुकी है, आरा जंक्शन आते रहते हैं। कुल इसमें 6 स्लीपर क्लास है, और थर्ड क्लास है पेंटी कार, एक भी इसका खुद का, और इसमें थर्ड के फर्स्ट क्लास भी है, सेकंड क्लास भी है, थर्ड क्लास भी है।
वीडियो देखी, इतना ज़्यादा कठिन, इतना ज़्यादा कठिन है जनरल का सफ़र करना, बहुत ज़्यादा कठिन है। तो चलिए आप लोग साझा करते हैं वीडियो, आप लोग अच्छा लगा होगा। हमारे सफ़र आज तक आज का पटना जंक्शन से आरा जंक्शन तक ही था, और आरा जंक्शन का कोड है ARA, और यहाँ से एक लाइन चल जाती है सासाराम वाली, और एक मेन लाइन है हावड़ा न्यू दिल्ली। चलिए मैं वीडियो में आप लोग से यहीं पर बिता लेता हूँ, वीडियो करते हैं यहीं पर। जय हिंद।